हाय दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्लास में कि कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे, बदलाव कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। आज का क्लास हम लोगों का है कि हम लोग लेजर को कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट लेजर। लेजर बनाने के लिए हम लोगों को आजाना है, लेजर बनाना है कि कैसे लेजर बनाएंगे। लेजर का मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है कि खाता बही होता है, और खाता बही जो है हम लोगों को पहले बनाना है। खाता बही उन सब लोगों का जिससे हम लोगों को सामान खरीदना है, बेचना है या बिजनेस करना है, तो बिजनेस के व्यू से जो हम लोग सबका जो है खाता बही बनाने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि खाता बही यानी कि लेजर जो है वो कैसे बनेगा, किस तरीके से लेजर को बनाया जाएगा, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कंपनी को हम लोग ओपन कर लेंगे। जैसे कंपनी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली मेन्यू आएगा। गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे जिसका नाम होगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में जाएंगे और अकाउंट इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे जो है एक अकाउंट इन्फो का मेन्यू खुल जाएगा। इसमें जो है बहुत सा जो है ऑप्शन दिया हुआ होगा। इसमें से सबसे पहले हम लोग लेजर को चूज करेंगे, और लेजर को जब चूज करेंगे तो ये लेजर का बॉक्स खुल जाएगा। इस लेजर के बॉक्स में खास करके दो तरीके के होते हैं, सिंगल लेजर एक मल्टीपल लेजर। सिंगल का मतलब होता है कि आप एक बार में एक लेजर को बनाएंगे, और मल्टीपल का मतलब होता है कि एक बार में एक से ज्यादा आप लेजर को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि सिंगल लेजर, इसके बाद वाले में हम बताएंगे आपको कि मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट होगा। तो सिंगल लेजर के लिए आप यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग लेजर का नाम लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को कैपिटल अकाउंट वगैरह के बारे में बताया है, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट A/C कर देते हैं, ये अकाउंट हो जाता है। अंडर यहाँ पे लेजर ग्रुप होता है। लेजर ग्रुप जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि 28 प्रकार के होते हैं। 28 में से आपको 15 जो है प्राइमरी होते हैं और 13 जो है सेकेंडरी होते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर में जाता है, और ये कैपिटल अकाउंट का जो है मेलिंग डिटेल्स, मतलब कि किसके नाम से है, एड्रेस क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, बैंक का डिटेल क्या है, पैन कार्ड और आईडी नंबर क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, और डालने के बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा। और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए हमको दूसरा लेजर बनाना है, तो दूसरा जैसे कि हम लोग का कोई सप्लायर है, और सप्लायर है जिससे हम लोग जो है सामान खरीद रहे हैं। सामान खरीद रहे हैं जैसे कि दिल्ली कंप्यूटर, सपोज है दिल्ली कंप्यूटर है, उसे हम लोग एक सामान खरीद रहे हैं। यहाँ पे DELSI दिल्ली कंप्यूटर। एक्सटेंशन के लिए हम आपको यहाँ पे SUP कर देते हैं, जिससे हम लोग सप्लायर समझ देखेंगे। यहाँ पे डॉट कर देते हैं सप्लायर, तो सप्लायर होता है इससे हम लोग सामान खरीदने के लिए खास करके जाते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर का जो लेजर अकाउंट होता है अंडर पे सेंडरी क्रेडिटर होता है। सेंडरी क्रेडिटर इसलिए होता है क्योंकि सप्लायर से जब हम सामान खरीदेंगे तो उसके पास से सामान माइनस होगा, घटेगा, तो घटेगा तो ये सेंडरी क्रेडिटर में जाएगा। तो यहाँ पे सप्लायर के अंदर हम लोग जो है सेंडरी क्रेडिटर कर देते हैं। अब एक बात जो और भी डिटेल पूछता है, जैसे नेम किसके नाम से, जो दिल्ली कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, जैसे मान के चलिए कि राजा कुमार, हम यहाँ पे मान के चलते हैं। एड्रेस यहाँ पे है, यहाँ जैसे N block BLOC 105 में मान के चलिए ABUL अबुल फजल FAZAL फजल। उसके अलावा जामिया नगर यहाँ पे शाहीन बाग भी हम दे सकते हैं, या कोई एड्रेस ऑफ भी हो जामिया नगर यहाँ पे हम लोग दे दीजिए। अब यहाँ पे न्यू दिल्ली भी कर सकते हैं, कौन से इंडिया, स्टेट कौन सा रहा, स्टेट सपोज जैसे मान के चलिए कि उसका रहा न्यू दिल्ली, चाहे दिल्ली को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, स्टेट दिल्ली हो गया। पिन कोड 11025 यहाँ पे, बैंक डिटेल अगर उसका कोई है उसका, तो यहाँ पे यस कर देंगे, और यस करने के बाद यहाँ पे उसे किस प्रकार का ट्रांजेक्शन करना है, जैसे चेक के माध्यम से, फंडिंग ट्रांसफर या अदर के माध्यम से, तो यहाँ पे दे सकते हैं। पैन कार्ड आईडी नंबर यहाँ पे उसका दे देंगे, जो भी पैन नंबर आईडी नंबर होगा, और देने के बाद यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस भी डालते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो एक्सेप्ट जैसे करा देंगे ये लेजर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरीके से सप्लायर है, कस्टमर है या किसी भी चीज का लेजर बनाना हो तो इस तरीके से उसका नाम अंडर ग्रुप यहाँ पे लेते जाएंगे, मेरी डिटेल को फिल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और हमारा लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो ये रहा आज का क्लास। इसके बाद हम आपको फिर बताएंगे अगले क्लास में कि मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करें।